इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से, जिला स्टेडियम में कहा जाता है। यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल यहाँ पे ओपनिंग की थी खेलों के मुकाबले। यहाँ पे इस वक्त जोशो खरोश जारी है। इस वक्त आजाद कश्मीर की टीम मौजूद है। यहाँ पे मैं इस वक्त आजाद कश्मीर के स्पोर्ट्स के हवाले से लोगों से पूछता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स तलबा तलबात यहाँ पे आई है, क्या कहेंगे आपने आजाद कश्मीर से यहाँ पे आके वॉलीबॉल के मुकाबले पार्टिसिपेट किया? सबसे पहले तो मैं सबको सलाम पेश करती हूँ और ये मेरी जिंदगी का फर्स्ट ट्रिप है। कैसा रहा इस ट्रिप? काफी अच्छा रहा। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इतना कोशिश की है कि कुछ जीती भी है। दो लड़कियां तो है वो जीती है, लेकिन बॉलिंग में हम लोग सिर्फ दो पॉइंट की वजह से रहे। आजाद कश्मीर कहाँ से कर लगा आपका? आजाद कश्मीर मीरपुर आजाद कश्मीर से हम लोग मशहूर है। मीरपुर आजाद कश्मीर मस्ट यूनिवर्सिटी हमारा तल्लक है। इसका ये कह रहा था दो यूनिवर्सिटी जो दो हमारे स्टूडेंट्स थी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया अगले राउंड में। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आपने किस किस गेम में पार्टिसिपेट किया? 100 मीटर रेस जो है वो आप जीत चुकी हैं। पाकिस्तान भर से आपने सेकंड पोजीशन लिया। राजीन जी आपको बताते चलते हैं कि पाकिस्तान भर में इस बच्ची ने 100 मीटर रेस में सेकंड पोजीशन लिया, ये आजाद कश्मीर के लिए एक बड़ी बात है। अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकूं, मजीद दरख्वास्त है। क्या कहेंगी आप ही यहाँ पे? जी आपको ये बताते चले कि यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यहाँ पे कल कामयाब स्पोर्ट्स जो जवान प्रोग्राम है उसके हवाले से यहाँ पे एक ओपनिंग सेरेमनी की थी। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की बच्चियों ने और बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ज़बरदस्त किस्म के खेलों के मुकाबले जारी हैं। आज़ाद कश्मीर की यहाँ पे एक टीम मौजूद है, मीरपुर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्त जिसे कहा जाता है। यहाँ की एक जो स्पोर्ट्स है वो उनकी टीम भी यहाँ पे आई है, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो मस्त यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्पोर्ट्स जो डायरेक्टर हैं। सर क्या कहेंगे आपकी टीम यहाँ पे आई है, बड़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया, क्या कहेंगे? 25 से ज़ायद तलबा और तलबा खिलाड़ी जिन्होंने गर्ल्स वॉलीबॉल मुकाबलों में शिरकत की, बड़ा खूबसूरत मैच हुआ है वॉलीबॉल का, एथलेटिक्स के मुकाबलों में शिरकत की है, बॉक्सिंग का मुकाबले भी हमारे हैं, ये हैं बॉयज़ के एथलेटिक्स मुकाबले हुए। बच्चों ने भरपूर अपनी खेलों का मुजाहरा दिखाया है और हमारी ये जो बच्ची रजवा है उसकी अम्मी रबू भी उसकी दौड़ को देखने के लिए आए, उसने 100 मीटर की रेस में क्वालिफाई किया है। ज़बरदस्त, ये हमारी एक बच्ची है जिसने 100 मीटर की रेस में पाकिस्तान में यहाँ पे आके इस्लामाबाद जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यहाँ पे ओपनिंग की है, इसमें उसने क्वालिफाई कर लिया है, बड़ी बात आई है। इस बच्ची से पूछते हैं क्या कहेंगे, माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन, आपने आज़ाद कश्मीर भी बड़ा अपना नाम बनाया, आज यहाँ पे पाकिस्तान के जो कैपिटल है दारुल्हुकूमा में आके यहाँ पे भी आपने अपना बेहतरीन आज़ाद कश्मीर का अपनी धरती का यहाँ पे एक नाम रोशन किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू सो मच मस्त टीम। आज खुशी महसूस हो रही है कि मैं जो 100 मीटर रेस में जो है वो सेकेंड नंबर पे आई हूँ। देखिए आज़ाद कश्मीर के अंदर विन करना और फिर नेशनल लेवल पर आकर इस्लामाबाद HSC के तहत खेलना बड़ा एक मुश्किल और एक एजाज़ बना जो है वो। नाम क्या, जरा अपना नाम बता रहे हैं आप? आज़ाद कश्मीर से आके यहाँ पे पाकिस्तान लेवल पर खेल रही हैं और यहाँ पे आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यहाँ पे ओपनिंग की है, यहाँ पे आके आपने बेहतरीन कारकर्दगी पेश की और यहाँ पे आपने अपनी ज़बरदस्त किस्म की जो पिछली दफ़ा भी आपने आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ पोजीशन ली थी और यहाँ पे भी आके अपना अपना नाम रोशन किया है, क्या कहेंगी? अपना नाम भी ज़रा आप बताइएगा। जी मेरा नाम इस्लाम है, मैंने मजीद जो है वो कौम से दुआओं की दरख्वास्त करती हूँ। इसने क्वालिफाई कर लिया यहाँ पे पाकिस्तान लेवल में, बड़ी बात है। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दीगर बच्चियाँ भी यहाँ पे मौजूद है जो आज़ाद कश्मीर मीरपुर और दीगर जो मस के अफिलेटेड है उनके साथ यहाँ पे आए। इसके अलावा मुजफ्फराबाद बाग कोटली और दीगर जो आज़ाद कश्मीर के अजला है वहाँ से भी लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में वाक़ है यहाँ पे आके इन्होंने खेलों के मुकाबले किए हैं। और इस वक्त जो आपको बताया चले कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में जो मस यूनिवर्सिटी के तलबात हैं और तलबा